पीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त, पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी होने तक न हो नए मामले दर्ज। तेंदुए के हमले में 3 साल की बच्ची हुई गंभीर रूप से घायल, गुस्साए ग्रामीणों ने 10 वन अधिकारियों और कर्मचारियों को पकड़कर कर दिया बंद। और बिजली बिल के मुद्दे पर चंद्रशेखर बावनकुले ने दी प्रतिक्रिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट रद्द किए जाने की बिजली विभाग को की विनती। और अब खबरें विस्तार से। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से कहा है कि पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी होने तक नए मामले दर्ज न हो। अब इस पर अगली सुनवाई जुलाई में होगी। देशद्रोह कानून पर केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आईपीसी की धारा 124A के प्रावधानों पर फिर से विचार करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक री एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती तब तक 124A के तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। इसके पहले सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आईपीसी की धारा 124A पर रोक न लगाई जाए। उन्होंने यह प्रस्ताव दिया है कि भविष्य में इस कानून के तहत FIR पुलिस अधीक्षक की जांच और सहमति के बाद ही दर्ज की जाए। केंद्र ने कहा कि जहां तक लंबित मामलों का सवाल है, संबंधित अदालतों को आरोपियों की जमानत पर शीघ्रता से विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है। गौरतलब है कि देशद्रोह के मामले में धारा 124A से जुड़ी 10 से ज्यादा याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वर्धा शहर और वर्धा जिले में आज बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिसकी वजह से सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम हो रहा है। इसी प्रकार अवैध तरीके से जुआ अड्डे भी चलाए जा रहे हैं। नागरिकों की शिकायत के बाद वर्धा विधानसभा के आमदार डॉक्टर पंकज भोयर, इन्होंने स्वयं जुए अड्डे पर छापा मारकर अवैध व्यवसाय को बंद किया। पुलिस प्रशासन का काम लोक प्रतिनिधि करे, ये तो दुर्भाग्य की बात है, ऐसी प्रतिक्रिया पदाधिकारियों ने व्यक्त की। पुलिस अधीक्षक प्रशांत होलकर, इनसे भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदीर्घ चर्चा की और अपनी समस्याएं व्यक्त की। अवैध व्यवसाय जल्द से जल्द कार्रवाई करके बंद किए जाए और सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसका ख्याल रखा जाए। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी महिला आघाड़ी वर्धा जिला जल्द ही इस पर आंदोलन करेगी और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन पर रहेगी, ऐसा निवेदन में बताया गया है। इस समय जिलाध्यक्ष वैशाली येरावार, शहराध्यक्ष शीतल डोंगरे, उपाध्यक्ष अर्चना वानखेड़े, माया उमटे, मनीषा दुधबड़े, श्रेया देशमुख, वर्षा बोखाड़े, सविता शर्मा, सुनीता ढवले, चित्रा ठाकुर इत्यादि इनकी उपस्थिति थी। कोणत्याही महिलेवर जर अन्याय झाला आणि ती आपल्या अन्यायाच्या विरोधात दाद मागायला जर पोलीस स्टेशनमध्ये गेली तर पोलीस स्टेशनमध्ये कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्या महिलेशी सभ्यतेची वागणूक दिली पाहिजे। अन्याय होणारी महिला ही कोण म्हणजे तिला काही कारण नसते म्हणून ती पोलीस स्टेशनमध्ये जात नाही, तर ती जेव्हा तिच्यावरचा झालेला अन्याय हा तिला असह्य होतो तेव्हाच ती पोलीस स्टेशनमध्ये जाते आणि तेव्हा जर तिच्याशी असभ्य वागणूक दिली, तिचं म्हणणं ऐकून घेतलं नाही आणि तिला उडवाउडवीचं उत्तरं देऊन जर तिला परत लावलं तर हा अन्यायाहूनही पुन्हा मोठा अन्याय आहे। म्हणून आम्ही आज SP साहेबांना याबाबतही त्यांच्याशी चर्चा केली की अन्यायग्रस्त महिला जर तुमच्या पोलीस स्टेशनमध्ये आली तर तिचं म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे आणि तिच्यावर झालेल्या अन्यायाचा जो प्रतिवादी आहे त्याच्यावरती FIR हा झालाच पाहिजे। सरांनी याच्यावर काय उत्तर केलं? त्यांनी सांगितलं की असं कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये कोणताही कर्मचारी जर तुम्हाला अशा पद्धतीनं असभ्य वागताना दिसला तर तुम्ही डायरेक्टली माझ्याशी संपर्क साधा आणि त्यांचा ज्या महिला अधिकारी आहे त्यांच्याशी आमच्या ज्या महिला मोर्चाच्या ज्या प्रतिनिधी आहे यांच्याशी त्यांचे त्या दोघांमध्ये आम्ही चर्चा घडवून आणू आणि ज्या ज्या पोलीस स्टेशनमध्ये असे प्रकार झाले असेल तर त्याची आम्ही माहिती मागू आणि यानंतर जर असे प्रकार होत असतील तर आम्ही त्या कर्मचारी असो तो अधिकारी असो त्याला आम्ही सस्पेन्शन देऊ। अवैध व्यवसायासंदर्भात त्यांनी काय उत्तर केलं? आज आपला माहितीचं आहे की आत्ताच नुकत्याच 2 दिवसापूर्वी आमच्या वर्धा विधानसभेचे आमदार सन्माननीय पंकजभाऊ भोयर यांनी एका जुगार अड्ड्यावरती धाड टाकली। जर हे जुगार अड्ड्या इथे इथे चालतात हे सर्व लोकांना माहिती आहे तर हे प्रशासनाला का माहीत नाही, हा आमचा पहिला प्रश्न आहे की प्रशासन झोपला आहे का?
लोकप्रतिनिधी जर जुगारड्ड्यावर धाड टाकत असेल तर प्रशासनाचं यासारखं दुसरं अपयश कोणतं नाही. आपल्याला माहितीच आहे की वर्धा जिल्हा हा दारूबंदीचा जिल्हा आहे, गांधी सिटी आहे, पण तरीसुद्धा या आपल्या वर्धा जिल्ह्यात सर्वत्र खुलेआम दारू विकल्या जाते. त्याचप्रमाणे जुगारसारखे अवैधरित्या ते पण व्यवसाय सुरू आहेत आणि ह्याचा सामाजिक स्वास्थ्यावर दुष्परिणाम होतो आहे. आणि या सर्व या समाजात आपल्या चांगल्या प्रकारे लोकांनी वावरावं आणि ह्याच्यासाठी सुव्यवस्था राहावी यासाठी आम्ही आज एस पी साहेबांना निवेदन द्यायला गेलो होतो. वर्धा जिल्हा महिला मोर्चाच्या वतीने आज आमच्या महिला मोर्चाच्या सर्व जिल्ह्यातल्या सगळ्या मंडळांच्या सगळे सदस्य आम्ही मिळून आज इथे आलेलो आहे. शहराच्या अध्यक्ष आहेत, आमच्या प्रदेशाच्या सुद्धा सर्व पदाधिकारी आहेत आणि आज आम्ही सर्वांनी मिळून इथे निवेदन दिलं आहे. आणि आपल्या हा वर्धा जिल्हा हा एक म्हणजे इथे कुठल्याच प्रकारचं अव्यवस्था नसावी आणि सगळीकडे चांगलं शासन असावं ह्याच्यासाठी आम्ही हे निवेदन सरांना दिलं. आणि आपल्याला माहितीच आहे की थोडे दिवस आधी आपले सन्माननीय आमदार साहेबांनीसुद्धा या व्यवसायांवर धाडी घातल्या आहेत आणि म्हणजे हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे की कुठेतरी हे शासन आपल्या काम व्यवस्थित करत नाही आहे आणि त्याच्यामुळे हे सगळे व्यवसाय अवैध धंदे वाढलेले आहेत आणि ह्याच्यावर चांगल्या प्रकारे ह्या लोकांनी कारवाई केली पाहिजे आणि हे सगळेच थांबवले पाहिजे. हेच निवेदन आम्ही त्यांना करायला आज इथे सगळे आले. अकोला के पालकमंत्री बच्चू कडू ने हनुमान चालीसा पर प्रतिक्रिया दी. इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिवसेना का गठन ईमानदार दादागिरी से हुआ है. मातोश्री शिवसेना का पूजा स्थल है, प्रेरणा का स्थान है. यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो 7 दिनों का एक सप्ताह रखें जिसके लिए हम आपको योगदान देंगे, ऐसा इस वक्त पालक मंत्री ने कहा. मला वाटतं देशामध्ये अशा मी मीडियालाच नेहमी सांगा वाटतं तर तुम्ही हे मुद्दे दुसरे मुद्दे नाही आहे का तुमच्याजवळ? ह्या काय देशाचा मुद्दा आहे का हनुमान चालीसा? त्यांना आपापल्या धर्मातल्या लोकांना आपापल्या ठिकाणी घरात मंदिर मस्जिदीत पुतळ्यात एकदाव नाही 10 डाव म्हणावं त्यांनी. रस्त्यावर येण्याचा हा विषय नाही आहे. रस्त्यावर फडकवायचा असेल तर तिरंगा फडकवा, गरिबाची सेवा करा, रुग्णालयात जा. एवढंच तुम्हाला आठवण येत असेल तर मला वाटते हनुमान चालीसाचा एक 7 दिवसाचा सप्ताह ठेवा, आम्ही तुम्हाला वर्गणी देऊ. हे नाटकं बंद करा अशी त्यांना आमची नम्र विनंती आहे. लीलावती हॉस्पिटलमध्ये त्या प्रकारचे फोटो व्हायरल झाला, त्यानंतर शिवसैनिक तिथे पोचले, त्यानंतर रवी राणांनी आरोप लावला की शिवसेना दादागिरी करते आहे. डॉक्टर शिवसेना चांगल्या प्रामाणिक जी दादागिरी असते ना त्या दादागिरीतूनच शिवसेनेची निर्मिती झाली आहे. वाह्यात दादागिरी नाही आहे. तुम्ही कोणाच्या उद्धवसाहेबांच्या मातुश्री ही शिवसेनेचं श्रद्धास्थान आहे, प्रेरणास्थान आहे आणि तिथे जाऊन तुम्ही जर अशा पद्धतीने करता ही दादागिरी नाही? तुम्हाला लाज नाही वाटत का अशा पद्धतीनं आपण कोणाच्या घरासमोर तुमच्या घरासमोर येऊन आम्ही जर उद्या काही एखादा कार्यक्रम ठेवला तर चालेल तुम्हाला? अशा पद्धतीनं करणं योग्य नाही आहे. मला वाटतं अशी दादागिरी आपण करायची आणि कोणी केली तर म्हणायचं दादागिरी करतंय. तुम्ही असं म्हणायचं का आम्ही एक थापड मारतो आणि तुम्ही उभे राहा? शिवसेना या मुठीतली नाही आहे. सुदैव तुमचं असं आहे का तुम्हाला धनके बसले नाही, याच्यात खुश माना. शहर के बाहरी इलाके दुर्गापुर में तेंदुए के हमले में 3 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है. इस पर गुस्साए ग्रामीणों ने 10 वन अधिकारियों और कर्मचारियों को पकड़ कर एक जगह बंद कर दिया था. लगभग 5 घंटे बाद कार्यालय के तेंदुए को मारने का आदेश आने के बाद ग्रामीणों ने वन रेंजरों और 10 वन विभाग के अधिकारियों को रिहा कर दिया. आंघोळीला जाऊन फक्त एवढं कपडे वगैरे काढले नव्हते तिने, मग तिने जसं बाथरूमला गेलं इथून बाघ जे आहे ना इथून आवाज आला म्हणे आला म्हणून थोडंसं पाहिलं धरणगड करत होती. इथे पंजे पण आहेत, इथे पंजे आहेत इथून डेलिगेशन तुम्ही तुम्हाला पोलीस स्टेशनला सुद्धा सादर केली होती सर त्यावेळेस. तर तनपुरे साहेबांशी सुद्धा बोललो होतो पत्र दिया की सीसीटीव्ही कॅमेरे लगाव. उसे सीसीएफ साहब बोलते सीसीटीव्ही कॅमेरे बहुत महंगे है, चोरी जाएंगे. अरे वो ये शब्द है मैडम, वो साउंड वाला शब्द है मैडम. इस तरीके से जब हम लोग अभी मैंने उस दिन सुन लिया
क्योंकि हमारे को लगा कि नहीं कि साहब अभी सेंसिटिवली सोचेंगे कि और उसके बाद में कुछ तो भी निर्णय लेंगे। महंगा है तो डब्ल्यूसी को जवाबदारी दो, पुलिस प्रशासन को जवाबदारी दो। और कहीं तो भी लगा नहीं बिबटेले मारू शकत नाही माणूस, आम्हाला माहित आहे आम्ही नाही का जे करू शकतो, आम्ही कायदा घेणार म्हणजे तुमचे जे वनरक्षक आहे जे तुमचे वरून कर्मचारी त्यांना मारतात। तुम्ही हे फालतूच्या गोष्टी आम्हाला शिकवू नका की तुम्ही दंडे घ्या, ते 3 वर्षाची मुलगी दंडा घेऊन फिरणार आहे का? ते जेवण संस्कृती घरात, अरे भैया वो घर में नहीं के खाना खा रही भैया, वो 3 साल की बच्ची डंडा लेके आ रही है। हाथ अपनी प्लेट दे जाने दो क्या, म्हणजे आपण हमारा ही म्हणजे कसा है कि तीनों भैया चलो मेरे को एक बात बताओ, लड़की के तरफ कोई आए का अभी तक के दवा खाने में कोई फॉरेस्ट वाले आए या कोई अधिकारी आए या कोई अपना प्रतिनिधि आए क्या दवा खाने के अंदर आए गए? कौन आए? कौन आए? मला बोलू द्या, थांबा साहेब, राग इथं येत आहे ना सगळ्यांना, इथंच राहते तू बाजूने चला, तुम्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तुमच्या समोर मारून दाखवत आहे वॉर्ड मध्ये त्या संदर्भात हे लोकही प्रक्षुब्ध झाले। आमचे लोक जेव्हा आले होते तेव्हा त्यांना त्यांनी घेराव घातला आणि अडकून ठेवलं आणि बिबटला ठार मारण्यासाठी त्यांनी फार मोठ्या प्रमाणात मागणी केलेली की लावून झालं की पहिले तुम्ही म्हणजे बिबटला ठारच करा। त्याप्रमाणे आम्ही वरिष्ठ कार्यालयाशी संपर्क साधून एक आमच्या स्तरावरच आम्ही कारवाई केलेली आहे की लगेच आम्ही शूटिंगच्या ऑर्डर्स काढल्या आणि पोलिसांना आम्ही सांगितलं की आम्हाला जे काही आवश्यक ते शस्त्र आणि मनुष्यबळ पुरवठा त्याप्रमाणे आम्ही आता घेऊन आलेलो आहे आणि सर्च चालू झालेलं आहे। बंदक एक 10 लोक दहा लोक असतील, 10 लोकांना त्यांनी बंदक बनवलं। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
पूर्व ऊर्जा मंत्री भाजप नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर जमकर निशाना साधा। आइए जानते हैं आखिर चंद्रशेखर बावनकुले ने क्या कहा। नाव न घेता तुम्ही सभागृहात सांगितल्याप्रमाणे स्वतः अजित दादा पवार यांनी विधान परिषदेमध्ये रेकॉर्ड वर शब्द दिलाय की आम्ही एक महिन्याच्या आतमध्ये डेटा तयार करून येणाऱ्या सर्व निवडणुका या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाप्रमाणे ट्रिपल टेस्ट करून ओबीसी आरक्षण देऊन घेऊ। पण अजूनही 3 महिने झाले, अधिवेशन संपलं, एप्रिल गेला, मे गेला, अजूनही डेटाला सुरुवात नाही आहे। आयोग सुनावणी घेत आहे पण डेटा ॲक्च्युली चालू झाला नाही आहे आणि त्यामुळं अजून पुन्हा यांच्याकडे वेळ आहे सरकारकडे, आणि सरकार आणि निवडणूक आयोगाने ठरवलं तर महिन्याभरामध्ये डेटा तयार करून राजकीय मागासले पण सिद्ध करून सुप्रीम कोर्टासमोर पुन्हा अफिडेव्हिट करून आपल्याला ओबीसीला न्याय मिळू शकतो। पण राज्यामध्ये अनास्था सुरू आहे, अजूनही इम्पेरिकल डेटाला सुरुवात नाही आहे आणि म्हणून माझी मागणी आहे की तातडीने इम्पेरिकल डेटा तयार करा, राजकीय मागासले पण त्या ठिकाणी तातडीने सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे जाहीर करा आणि तातडीने ओबीसीला आरक्षण देऊन निवडणुका घ्या अशी आमची मागणी या ठिकाणी आहे। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ एक शख्स फिरोज तब कैमरे में कैद हो गया जब वो तंदूरी रोटी बनाते वक्त उस पर थूक रहा था। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक समारोह में रोटी बनाते वक्त उस पर थूकने के वीडियो पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। मेरठ में एक शादी समारोह में तंदूरी रोटी बनाते वक्त उस पर थूकने वाले फिरोज को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी फिरोज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। जान ले कि ये घटना मेरठ के खरखौदा थाना इलाके के अतराड़ा में एक शादी समारोह में हुई। इससे पहले लिसाली गेट और हापुड़ रोड पर शादी समारोह में इसी तरह के मामले सामने आए थे। 4 महीने पहले भी गाजियाबाद और शामली जिले में भी रोटी पर थूकने वाले मामले सामने आए थे। गौरतलब है कि खरखौदा थाना इलाके में अतराड़ा के रहने वाले नरेश की बेटी की बीते रविवार को शादी थी। शादी समारोह में एक शख्स तंदूरी रोटी बनाते वक्त उस पर थूकता हुआ नजर आया। इस घटना का कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया। इसके बाद सोमवार को इस मामले की खरखौदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। फिर पुलिस ने सोमवार रात को आरोपी फिरोज को पकड़ लिया। आरोपी हापुड़ का रहने वाला है। पूर्व ऊर्जा मंत्री भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने सरकार को सिक्योरिटी डिपोजिट न लेने की मांग की है। चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि MARC से सिक्योरिटी डिपोजिट रद्द किए जाए, ऐसी विनती मैं बिजली विभाग से करता हूँ। जानूपूर्वक हुकुमशाही करता है, आज तुम्हारा लुभाड़ता है, सावकार वागता है। सिक्युरिटी डिपॉझिट रक्कम घ्यायची गरजच नाही आहे, घेऊ नये, ही सरकारला माझी मागणी आहे। MARC कडे पुन्हा जावं आणि MARC कडनं सिक्युरिटी डिपॉझिट रद्द करून घ्यावे अशी मागणी माझी वीज कंपन्यांना आहे। मान्सून की तयारियों को लेकर जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में आज जिलाधिकारी कार्यालय में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। इस बैठक में सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज की बैठक में विभिन्न विभागों के 52 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, नियंत्रण कक्ष का संचालन, उपकरणों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रस्तुत करना, तालुकावार आपदा प्रबंधन समिति को अद्यतन करना, साथ ही खोज और बचाव दल बाढ़ संभावित क्षेत्रों, गांवों, सड़कों, पुलों के बारे में जानकारी तैयार करना शामिल है। आदि तालुका में बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए संपर्क बैठक में अधिकारियों की नियुक्ति, बांध में विसर्ग नदियों के जलस्तर और वर्षा के पूर्वानुमान और स्थानीय प्रशासन पंचायत के माध्यम से निचले इलाकों के नागरिकों को अग्रिम सूचना देने के संबंध में निर्देश दिए गए। आज की बैठक के दौरान सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका एवं नगर परिषद प्रशासन, क्षेत्रीय परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, MSEDCL, जिला आपूर्ति अधिकारी, कृषि, मेट्रो, रेलवे, दूरसंचार आदि को उनकी अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। जिले के सभी बड़े मध्यम एवं छोटे बांधों एवं परियोजनाओं का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत करने के निर्देश दिए गए। बाढ़ प्रभावित गाँव का नक्शा तैयार करने के निर्देश दिए गए है। नियंत्रण कक्ष के संचालन और जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद कौन से गांव खतरे में पड़ सकते हैं, इसकी जानकारी जिला कलेक्टर कार्यालय को दी गई। यह स्पष्ट किया गया कि लोक निर्माण विभाग को जिले के महत्वपूर्ण पुलों का सक्षम प्रमाण पत्र दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग को इस अवधि के दौरान होने वाली महामारियों के खिलाफ निवारक उपायों की योजना बनाने का निर्देश दिया गया था। कलेक्टर आर विमला, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, अपर आयुक्त राम जोशी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अंकुश गावंडे सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी सहित आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी विभाग मौजूद थे। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ ऐश्वर्य शिंदे की रिपोर्ट।
बीड जिले में गन्ने की अधिकता के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया है। गेवराई तालुका में नामदेव जाधव नाम के एक 35 वर्षीय किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि 2 एकड़ गन्ना नहीं गया था। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राम कुलकर्णी ने इसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पश्चिमी महाराष्ट्र में बंद पड़ी फैक्ट्री से गन्ने की तुरंत कटाई की मांग भी इस समय की है। बीड जिल्ह्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गेल्या 1 ते 2 महिन्यापासून ऐरणीवर आहे। जिल्हा प्रशासनाला त्याचं गांभीर्य नाही, सत्ताधाऱ्याला त्याचं गांभीर्य वाटलं नाही। परिणाम गेवराई तालुक्यात आज नामदेव जाधव या 35 वर्षाच्या एका तरुणाने आत्महत्या केली। त्याचा ऊस अद्याप गाळत झाला नाही। खरं म्हणजे 20% ऊस अजूनही गाळपाअभावी शिल्लक आहे। या आत्महत्याला बीड जिल्हा प्रशासन जबाबदार आहे, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करायला पाहिजे। दुसरी गोष्ट म्हणजे अजूनही शेतकरी फार मोठ्या संकटात असून प्रचंड ऊस शिल्लक आहे। पश्चिम महाराष्ट्रामधील बंद पडलेल्या कारखान्यावरचे हार्वेस्टिंग आणावेत आणि आम्हाला बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या ऊसाचं गाळप करावं अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी मागच्या अनेक दिवसापासून करते। पण कुठल्याही कुणालाही त्याचं गांभीर्य नाही। जिल्हा प्रशासनाला तर किंचितही गांभीर्य नाही। हा जो बळी गेलाय त्याला सर्वस्वी जिल्हा प्रशासन जबाबदार आहे। प्रशासनाच्या विरोधात कठोर पावलं उचलली पाहिजे अशी आमची मागणी। तो वीकेबी प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।